एक ऑर्डर लग रहा है, मेरे को उतारो पहले तो। आज हमारे अंकल गाड़ी चला रहे हैं, आए हुए हैं फार्म हाउस पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग और गुड मॉर्निंग भाई सही भाइयों को। अभी हम जा रहे हैं अपने कॉलेज और भाई फुल एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार भाई मैं फॉर्च्यूनर लेके जा रहा हूँ कॉलेज में। अभी तक मैं कॉलेज में जब से फॉर्च्यूनर आई एक बार भी कॉलेज नहीं गया, आज पहली बार जा रहा हूँ और फॉर्च्यूनर लेके जा रहा हूँ। भाई साहब देखते हैं दोस्तों कैसा रिएक्शन आता है। अभी मुकेश के पास जा रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है, मजा आएगा सच में यार, बहुत खुशी हो रही है भाई मेरे को। देखो आज रानी है, रानी झोटा है, झोटा यमदूत का झोटा भाई साहब। अभी मुकेश है, आगे वेट कर रहा है, मुकेश को लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा कॉलेज। पहले उसका रिएक्शन दिखाऊंगा मुकेश का, एक बार देखना रिएक्शन क्या आता है मुकेश का। मेरे को मैं थोड़ा क्या लेट हो गया है ना, 8 बजे क्लास थी, 8:15 हो गए, मैंने फोन किया उसको, लगा मुकेश से बोलेगा यार लेट हो गया क्योंकि 8:15 हो गए, 8 बजे की क्लास है ठीक है, तो मुझे लगा ये बोलेगा फोन करके कि लेट हो गए। जैसे मैंने फोन उठाया क्या बोल रहा है, शिवम सुन चश्मा लेते आना, मतलब गजब यार। अभी चलते हैं घर पे चलते हैं। ये देखो सर के रिएक्शन देखो, ये देखो लोग आठ, क्या बात है क्या बात है। राम राम, मैं तो तुम्हारे रिएक्शन की वेट कर रहा हूँ। कैसी लगी गाड़ी? मस्त। कोई कमी? अरे कोई इसमें कोई कमी हो? मैं बोला कि मैं कैमरा ऑन कर रखूंगा, मुकेश के रिएक्शन लूंगा। इसमें कोई कमी है क्या? इसमें कमी हो ही नहीं सकती, इसमें तो पैसे रखे हैं। कमी हो ही नहीं सकती। चलो और सब बढ़िया? ये मेरा तो भाई हम कॉलेज जा रहे हैं ठीक है अपनी नई गाड़ी से। कैसी एक्साइटमेंट? काफी अच्छी। तैयार व्यार हो गया आया बिल्कुल लौंडा, देख लो। वह हम रास्ते में पहुंचे थे। अच्छा मुकेश इसकी स्पीड कैसी है? मस्त है, मतलब गाड़ी से झटका दे रही नहीं दे रही है भागने में? अलग से घोड़ा ठीक है। अब एक चीज दिखाऊं तुम्हारे को, अभी तो मैंने कुछ दिखाया नहीं ठीक है, ये लगा दिया मैंने स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पर लिखा गया भाई स्पोर्ट्स मोड। अब देखना इसकी स्पीड ठीक है। अरे पागल आगे देख, तू तो देख कैसी लग रही है स्पीड। अबे तो धीरे चला भाई। भाई रोड इतनी खराब है ना, इतनी खराब रोड है फिर भी इसलिए हमने फॉर्च्यूनर ली है। क्यों मुकेश? यस, ये रोड इतनी खराब है, देख लो तुम कितनी खराब है भाई। मैं गाड़ी लगाऊं तो लगाऊंगा, जगह नहीं है भाई गाड़ी लगाने की। लग जाएगी यहाँ पे, लग जाएगी है ना, आगे है ना पत्थर पड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े ठीक है, बट ये उनपे चढ़ जाएगी। ये तो घोड़ा है, अरे पीछे भी जगह एक बार का भाई, गाड़ी अपनी यहाँ पर लगा दी अपन ने। चले मुकेश, चलो भाई एक और चीज बताऊँ, मैं फनी वाली बात बताऊँ, फनी वाली बात है, मैं तो बैग ही लाना भूल गया यार। इतने दिन बाद आया, बैग लाने भूल गया यार, कोई ना बताना मत किसी को है ना। तो भाई अभी हम कॉलेज से बाहर निकल गए ठीक है, अभी पोहे खाने आए हैं और मुकेश बड़े चश्मा चश्मा लगा हीरो बन गया है ठीक है। भाई ये भीड़ देखो हमारे पोहे वाले के पास। तो हमारे साथियों हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए कि पोहे वोहे खा के, हमने फिर यार वीडियो वगैरह नहीं बनाई, हमने फिर फोटो वोटो खींची, मुकेश ने जम के फोटो खींची है भाई, है मुकेश आज भाई साहब मुकेश ने जम के फोटो खींची है। अब हम घर जा रहे हैं ठीक है। एक्चुअली मैं हो गया कोर्ट भी जाना था, अभी इसको भी क्लास लेनी थी, मेरे को भी लेनी थी, बट यार फिर वो कोर्ट वोट जाना है पापा के साथ, वो आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा। और फोटो वगैरह देखनी हो ना मुकेश की तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, देख लेना बढ़िया बढ़िया फोटो मुकेश की। क्यों मुकेश? नहीं चलो भाई अभी घर चलते हैं, पहले मुकेश को छोड़ता हूँ फिर अपने घर चलते हैं ठीक है। ठीक है सर, राम राम। चलो भाई हम भी अब घर चलते हैं, हमारे तो जिंदगी में अभी घर कहाँ है, अभी तो कोर्ट जाएंगे हम, अभी सीधा कोर्ट जा रहा हूँ पापा के साथ ठीक है। फिर है ओके कल चलेंगे ना कॉलेज? हाँ, कल चलेंगे ठीक है, कल लेंगे क्लास लेंगे कल सारी, आज तो भाई एक ही क्लास ली, कोर्ट जाना था और कल मेरे को याद लगता है ना बैग लेके आना है। ओके ठीक है भाई अपने घर चलते हैं। भाई अभी हम घर पहुंच गए, फिर से हम निकल गए घर से बाहर और इस बार हमारे साथ हैं हरिलाल अंकल। हेलो गाइस, क्या है अंकल आपके पास? मेरे पास मिठाई है, ये गाड़ी के फ्लक्स में देने जा रहे हैं किसी को भैया। मतलब यार क्या होता है ना, कभी कभी जाते भूल जाते हैं और भूल के आते हैं, हम अंकल के पास जा रहे हैं पवन अंकल के पास, वो है ना उस समय कहीं दिल्ली विल्ली कहीं गए हुए थे, मैंने कहाँ गए हुए थे तो उस समय मिठाई दी नहीं, फिर अभी जा रहे हैं, फिर पापा कहीं बिजी हैं तो हम ही जा रहे हैं देने के लिए अंकल और मैं, है ना अंकल जी। चलो भाई चलते हैं, फिर कोर्ट भी जाना है आज, तो आप चलोगे क्या? नहीं आज कोर्ट नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाओगे तो फिर पापा और मैं ही जाएंगे, मतलब कोर्ट है अच्छा। हाँ तो हम लोग कोर्ट जाएंगे भाई, हमारे को पैसे चाहिए हमारे जो फंसे हुए हैं कोर्ट में ठीक है। और अपनी रानी ये रही, इसको चलाने में जो मजा आता है यार। तो वैसे अब मेन हमारे अंकल चेक करेंगे गाड़ी, अभी तक तो नहीं किया अंकल, अब करेंगे अंकल गाड़ी चेक। लो भाई स्पोर्ट मोड पर लग गई गाड़ी, अब देखो तुम। भाई साहब मेरे ख्याल से इतनी तेज तो मैंने भी नहीं चलाई है। अरे पकड़ लिया भाई साहब, मैं तो
हेलो अंकल, कैसा लग रहा है? चढ़ जाएगी वैगनर के ऊपर ही। सही बकरी अंकल। भाई अगर अंकल ने पास कर दी ना गाड़ी, फिर गाड़ी पास ही है। अंकल के पास चार पांच गाड़ियां हैं, इसलिए अंकल को फुल एक्सपीरियंस है। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को उतारो पहले तो। भाई साहब इस गाड़ी को फेल करने वाला कोई है ही नहीं। 140 160 पहुंचा दी अंकल ने। 150 160 चढ़ा दी अंकल ने। भाई मेरे को डर लग रहा है बस, बहुत तेज। हल्ला अंकल की आवाज ही नहीं निकल रही पीछे से। नहीं हल्ला में सोचे बहुत डर लग रहा है, आगे बैठा ना मैं, लग रहा है बस अब गए। 200 तक अंकल करते तो हम निकल चुके हैं। कीचड़ फंस गया टायर में, उसके बाद आ रही है ना। भाई साहब अंकल ने जो तेज गाड़ी चलाई 160 180 पहुंचा दी भाई साहब अंकल ने। अंकल डर लगा नहीं लगा एक बार का तो? भाई साहब मेरी तो फट गई, तो मैं आगे बैठा हुआ था भाई, मेरे को डर लगा बहुत तेज। मैं खुद ही यार 120 तक लेके आया, क्योंकि हमने किया है ना किया उसको, तो मैं 200 टच करा दी मैंने। बट भाई साहब ये भी नई गाड़ी है और एकदम से इतना तेज, और इसका पिकअप बहुत तेज है। देखो भाई 15 की एवरेज से सीधे 13 की एवरेज पे आ गई, इतना तेज चलाया अंकल ने। पर मजा आया अंकल है, पिकअप बहुत तेज है गाड़ी का भाई, बहुत तेज। मेरे को खुद मालूम नहीं था इतना तेज पिकअप है गाड़ी का। अंकल ने पास कर दी गाड़ी, पास हो गई भाई। क्या हुआ अंकल? हाँ, पास हो गया। क्योंकि अंकल को क्या है, थोड़ा बहुत अंकल के पास चार पांच गाड़ियां हैं, तो अंकल को बढ़िया है वो हिसाब किताब है। अंकल के पास जीप मेरिडियन भी थी और पोर्शे भी थी, सब है। तो अब बढ़िया अपन घर चल रहे हैं, अब सीधा कोर्ट चले अंकल। हाँ, कोर्ट चलते हैं ना भाई, कोर्ट जा रहे हैं अब सीधा, कोर्ट में मिलते हैं, देखते हैं भाई आज हमारे पैसे मिलते नहीं मिलते, रिलीज होते नहीं होते भाई। यार बड़ा गंदा काम है कोर्ट का। देखो किस किस से बच के रहना चाहिए, एक तो डॉक्टर से, ठीक है डॉक्टर से बच के रहना चाहिए, एक अपने कोर्ट से बच के रहना चाहिए, और एक पुलिस से, है ना अंकल। इन तीनों से भाई बच के रहना चाहिए, जितना बच के रहो उतना बड़ा ही है। भाई हमारे वकील तो सामने जा रहे हैं ये रे, ठीक है, और पापा पीछे हैं भाई। आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और बैटरी फ़ोन में कम है तो व्लॉग बाद में बनाऊंगा ना। ये देखो भाई ये हमारे 25 नंबर, उसमें 25 नंबर है रूम, इसमें ही है, अभी आएंगे जज साहब। भाई 2 बजे का टाइम था पर अभी जज साहब का लंच पूरा नहीं हुआ, तो अभी हम लोग वापस आ गए, हमारे वकील जी से मिली है। हाय करो हाय करो। अभी फिर वेट करते हैं आधे घंटे बाद, फिर वो आएंगे, उसके बाद वापस देखो केस होगा अपना। पीछे पापा हैं, आज हो ही जाएगा क्या पापा? वो वकील दमदार नहीं था। हाँ ये वाले वकील हमारे दमदार है, अभी देखो आधे घंटे पैसे छुड़वा देंगे हमारे। चलो भाई एक्चुअली क्या है, फोन में बैटरी बहुत कम है, तो अपन व्लॉग बाद में कंटिन्यू करेंगे, है ना, बाद में व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, अभी बैटरी कम है फोन में। देखो भाई पूरा कोर्ट खाली हो गया, अभी भी हम हैं और सुबह 12 बजे के आए हुए हैं और अभी 6 बज रहे हैं भाई। चलो कोई ना व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, नहीं तो घर पहुँच के करूँगा, अभी बैटरी नहीं है फोन में, ठीक है बाद में करते हैं बात। तो हेलो गाइज, तो भाई अभी यार मेरे को भाई तुम्हें मेरी हालत देख रही कितनी भयंकर भाई, मेरे को एक तो बुखार हो गया, ठीक है, और गले में काफ़ी दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। बट फाइनली भाई जो काम के लिए गए थे कोर्ट हम, वो काम हो गया भाई, हमारे जो पैसे थे वो रिलीज हो गए, आधे पैसे रिलीज हो गए, और आधे पैसे कहना बैंक से रिलीज होंगे, तो हमें कल बैंक जाना पड़ेगा। पापा का वो फोटो होगी ना आपके पास, जो अपने वो लेके आए थाने से अपन पैसे लेके आए? बिल्कुल है, देना एक बार दिखाना, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, किसी को भाई यकीन ना हो, मतलब देखो दिख रहा है भाई ये पैसे है ना, इनमें ये सारे पैसे पड़े हुए हैं, इनमें है ना सील लगी हुई है, इसमें सील दिखा दो, सील वाली फोटो दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक साथ दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई ये गवर्नमेंट की सील लगी हुई है, ये देखो दिख गई भाई, बहुत बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत, बट फाइनली भाई आधे पैसे मिल गए, आधे पैसे कल मिलेंगे, कल जो हमारे SHO साहब है ना वो जाएंगे बैंक में पापा के साथ, और मथुरा जाना पड़ेगा फिर उसके जो चोर है ना उसके बैंक में, वो आधे पैसे उसके बैंक से निकालेंगे और पापा के बैंक में ट्रांसफर कराएंगे। पर अपना काम भाई हो गया फाइनली, हमारे जो जज मैम थी और बहुत उन्होंने साथ, पर हम भाई अभी अभी आया हूँ मैं, अभी टाइम कितना हो रहा है पापा? टाइम हो गया, देखो ना एक बार टाइम कितना हो रहा है, हाँ भाई साहब मतलब ये मानो 9:15 हो गया, अब 9:15 बजे भाई हम घर पहुंचे, और हम लोग सुबह पापा 12 बजे पहुंच गए थे अपन कॉलेज, मतलब वो भाई सुबह 12 बजे हम लोग कोर्ट चले गए थे, और ये हालत दिख रही है भाई साहब। अभी अब जाए खाना वाना खाएंगे, खाना वाना भी नहीं खाया, खुद ही के पैसे थे, बट कितनी स्ट्रगल करना पड़ा पैसे के लिए, बट ठीक है भाई फाइनली पैसे मिल गए, बाकी कल मिलेंगे। और अभी है ना तो मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, देखो DIG अंकल है हमारे प्रताप नगर के, ठीक है वो पापा के दोस्त है, उन्होंने आज हमारी गाड़ी चलाई, मैं वो वीडियो ऐड कर रहा हूँ और कुछ कुछ क्लिप ऐड कर रहा हूँ वो कोर्ट की, वो देखो एक बार। आज हमारे अंकल गाड़ी चला रहे हैं, कैसी अंकल? अंकल के पास है ना इनोवा भी है। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग, वैसे व्लॉग में वही डाल रहा हूँ सुबह, मतलब अभी भी हम सुबह हो रही है और हम लोग आए हुए हैं
फार्म हाउस पे। ये बढ़िया थंबनेल आ गया। आप सबको पता है हमारा एक प्राइवेट पार्टी है भाई, हमारी प्राइवेट पार्टी नहीं भाई, हमारा मेरा बर्थडे है ना, 5 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो हम एक फार्म हाउस बुक करने आए हैं। ये वाला कैसा है अनिल? प्रॉपर्टी को चेक करो भाई। प्रॉपर्टी चेक कराऊं? अब देख लो भाई, चेक करो अनिल की प्रॉपर्टी। यहाँ तो बाहर है, ठीक है, ये बाहर हो गया, ये दीवार कट है इसकी, और ये पूरा भाई फार्म हाउस है। नीचे एक रूम है, ऊपर एक रूम है, ऊपर पूरी छत है, ठीक है, और ये बहुत बढ़िया भाई। अनिल तेरे को कैसा लगा? प्रॉपर्टी यार एक नंबर है, एक नंबर है ना, ये एक बुक करते हैं, मेरे ये जच रही है यार। और तो भाई फिर बुक कर दे बर्थडे के लिए, आज करी दो यार, कर दे बुक। हाँ। भाई सब मजा आएगा, पर रात को है भाई, कल सुबह चेक इन करेंगे। गाइस तुमने जो भी वो देखा ना अभी क्लिप, वो कोर्ट वाली और वो पुलिस वगैरह जो भी था ना, तो और अब हम सीधा है ना, ये मॉर्निंग हो रही है और हम आ गए यहाँ पर फार्म हाउस देखने। दोनों लोग एक साथ अटैच, ये अभी अटैच कर दिया मैंने, अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा पार्टी का, ठीक है। पापा आए हुए हैं, फिर अपन फाइनल करते हैं और मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, अभी हम फाइनल कर देते हैं इसको, ठीक है।